हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट नागपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तथा एसोसिएशन ऑफ विदर्भ फार्मेसी कॉलेजेस के संयुक्त तत्वावधान में नागपुर जिले के फार्मासिस्ट केमिस्ट मित्र बंधुओं का स्नेह मिलन तथा सत्कार समारोह हाल ही में कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग में आयोजित किया गया। इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू पटेल का सपत्नीक केमिस्ट तथा फार्मासिस्ट परिवार के 2000 से ज्यादा सदस्यों की उपस्थिति में सत्कार किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर मोंटू पटेल ने कहा कि भारत में फार्मेसी शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा फार्मेसी कॉलेजों और शिक्षा के मूल्यांकन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधार पर सुधार की आवश्यकता है। समारोह के प्रमुख अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, प्रकुलपति दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने फार्मेसी पेशे को और अधिक विकसित करने के सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया और आशा व्यक्त की कि डॉक्टर मोंटू पटेल के गतिशील नेतृत्व में फार्मेसी शिक्षा और अधिक फलेगी फूलेगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अप्पा साहेब जगन्नाथ शिंदे ने सभी सदस्यों से पारंपरिक फार्मेसी का मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाए रखने का आग्रह किया। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में केवल एक पृथ्वी विषय पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बच्चों की सक्रिय भागीदारी से पूरे मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरपीएफ बैरक अजनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके पश्चात आरपीएफ बैरक से डीएसए ग्राउंड अजनी तक ग्रीन रैली निकाली गई। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, नागपुर अपर मंडल रेल प्रबंधक पीएस खैरकर, जय सिंह अपर मंडल रेल प्रबंधक तकनीकी और अन्य शाखा अधिकारियों ने भाग लिया। आरपीएफ बैरक अजनी में चिड़िया का घोंसला बनाना, वर्टिकल गार्डन, कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया आदि गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। वर्धा, अमला, वरुरा और बल्लारशाह आदि स्टेशनों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। घुग्घुस, चंद्रपुर और मकर धोकड़ा आदि रेलवे स्टेशनों पर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत अपने बुजुर्गों की याद में उनकी स्मृति में वृक्षारोपण किया गया। स्वर्गीय दुलीचंद हिरनवार, स्वर्गीय भालचंद्र वाजपेयी, योगेश सोनकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी नागरिकों और कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि आप भी अपने बुजुर्गों की याद में उनकी स्मृति में वृक्षारोपण करें और सृष्टि को सुंदर बनाने, पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। हर व्यक्ति इच्छा से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। धर्मपेट वीआईपी रोड पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक सुनील हिरनवार, भाजपा पश्चिम नागपुर उपाध्यक्ष पप्पी वाजपेयी, वार्ड उपाध्यक्ष हेमंत सोनकर, विक्रम सिंह, ज्योत्सना हिरनवार उपस्थित थे। वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने में अमित शुक्ला समेत सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। स्वामी संतदास उदासीन आश्रम गुरु भक्ति धाम हेवरी नगर में मां भगवती एवं हनुमान जी के विग्रह स्वरूपों के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल गुरुवार को कलश यात्रा, मंडल स्थापना और हवन पूजन का आयोजन किया गया है। इसी तरह 10 जून को दिन में मूर्ति, घृताघिवास एवं अन्य कार्यक्रम होंगे। साथ ही रात 9 बजे भजन सत्संग का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शनिवार 11 जून को सुबह 11 बजे हवन एवं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नवोदय बिजनेस एसोसिएशन की ओर से सक्करदरा स्थित पंचवटी वृद्धाश्रम में संस्था संस्थापक अध्यक्ष मनोहरलाल आहूजा के नेतृत्व में अनाज, तेल व खाद्य सामग्री वहां रहने वाले बुजुर्गों को दी गई। वृद्धाश्रम के पदाधिकारियों ने सामग्री को स्वीकार किया व नवोदय बिजनेस एसोसिएशन का आभार माना। इस अवसर पर मनोहरलाल आहूजा, सुनील गुलाटी, रमेश मुंदड़ा, चंदू दंदे, अशोक जैन, आनंद साखले, अजय काशी, रमेश साहू, पवन जैन, गोपाल मुल्तानी, बीरजलाल शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। वैशाली नगर कृष्णार्पण सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित बद्रीनाथ धाम में कथाव्यास श्रद्धेय पंडित नंदकिशोर पांडे की संगीतमय भागवत व इन्हीं के सानिध्य में चारों धाम की यात्रा कर उत्साहित 65 भक्तों का जत्था रेल मार्ग से लौटा। जत्थे का स्वागत भक्तों द्वारा किया गया। इस तीर्थ यात्रा प्रसंग पर आचार्य प्रवर ने बताया कि जागृत तीर्थ में भागवत श्रवण से व्यक्ति का मन पवित्र होता है। तीर्थ यात्रा से आत्मिक शांति व जीवन में ऊर्जा संचारित होती है।
प्रत्येक सनातनी ने जागरूक तीर्थ की यात्रा जरूर करना चाहिए। भागवत कथा व तीर्थ यात्रा के सफलतार्थ मीना कुलश्रेष्ठ, रीना सीरिया, ज्ञानवती शाहू, देवेंद्र राय, सुभाष कुलश्रेष्ठ, विनोद द्विवेदी, प्रतीक बिसेन, शोभा राय, संध्या, रेखा वर्मा, मनीष खोटे, शीला गुप्ता, लक्ष्मी वर्मा, कृष्ण मुरारी पांडे आदि भक्तगण प्रयासरत रहे। हमारे उत्थान के लिए हमें ही प्रयास करना है। कलयुग में संघ शक्ति अर्थात समूहों की शक्ति के महत्व को दर्शाया गया है। अतः हमें स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए और व्यक्ति को पंगु नहीं बल्कि सक्षम बनाने के लिए प्रयास करते रहना है। ऐसा प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदर्भ प्रांत कार्यवाह दीपक तामशेट्टीवार ने विदर्भ प्रांत प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में किया। बुटीबोरी MIDC स्थित बाल भारती के निकट नगर परिषद मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वास पावर इंजीनियरिंग तथा विश्वास गुरुकुल के संस्थापक राजीव भावे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में तामशेट्टीवार ने स्वामी विवेकानंद की बात स्मरण दिलाई। स्वामी जी चाहते थे कि पूर्वजों के कार्य से भी श्रेष्ठ हो ऐसा भारत बनाना है। डॉक्टर हेडगेवार ने हमारे देश के परतंत्रता के कारणों से यह जाना कि स्वतंत्रता को टिकाने के लिए मन में समाज भक्ति और देशभक्ति की भावना लिए लोगों का संगठन खड़ा करना होगा। ऐसे व्यक्तियों के निर्माण हेतु उन्होंने शाखा तंत्र अपनाया। प्रतिदिन एक घंटा शाखा पर आए और वहाँ संस्कार देकर समाज और राष्ट्र निर्माण एवं उत्थान में योगदान दे। हमें समाज के प्रति कर्तव्य निभाना है, इस भावना का लोगों में प्रसार करना ही शाखा का प्रधान कार्य है। मध्य रेल नागपुर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे के निर्देशानुसार और वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी के देखरेख में 3 से 9 जून तक अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत नागपुर में फाटक नंबर 120 पर संरक्षा विभाग की टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक जरा ठहरो के माध्यम से सभी रेल उपभोक्ताओं को समपार फाटक पार करते समय ली जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। इस नुक्कड़ नाटक में राहुल गजबीये कार्यालय अधीक्षक संरक्षा विभाग, डॉक्टर बालकृष्ण महाजन सेवानिवृत्त वरिष्ठ अनुवादक, राजभाषा विभाग AK द्विवेदी कार्यालय अधीक्षक, इंजीनियरिंग विभाग मिलिंद सरपाते, अवर लिपिक कार्मिक विभाग कर्मचारियों ने सहभाग लिया। RTM नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा 8 जून से ग्रीष्म सत्र की परीक्षाएं ली जाएगी। परीक्षा 3 सत्रों में होगी। जिन छात्रों ने 2020 में स्नातक में प्रवेश लिया था उन छात्रों के लिए यह फाइनल एग्जाम होगी, यानी इन छात्रों के 5 सेमेस्टर ऑनलाइन में ही निकल गए, जबकि इस बार 1.5 घंटे की बहुप्रश्न पद्धति से परीक्षा देना पड़ेगा। इन वर्षों में छात्रों ने 3 घंटे की लिखित परीक्षा ही नहीं दी। विश्वविद्यालय द्वारा इस बार भले ही ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जा रही है, लेकिन पैटर्न ऑनलाइन जैसा ही है। परीक्षा 3 सत्रों में ली जाएगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा, दूसरा सत्र दोपहर 12 और तीसरा सत्र दोपहर 3:30 से होगा। छात्रों के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छात्रों को परीक्षा से 15 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट देरी से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा होम सेंटर में ली जा रही है। पहले दिन लगभग सभी स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। पूरे 2 वर्ष बाद होने जा रही परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह है, लेकिन भीषण गर्मी होने से छात्रों की परेशानियां भी बढ़ेगी। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। जोनल चेयरपर्सन लायन अरुण कुलकर्णी ने अपने तीनों क्लबों लॉयंस क्लब नागपुर साउथ, नागपुर अमेज और नागपुर गोंडवाना लॉयंस परिवार के साथ अनेक क्रिएटिव आइडियाज और कड़ी मेहनत से जोन सोशल शाम अरुण कार्यक्रम का होटल LB में शानदार आयोजन किया। इसमें विभिन्न बेहतरीन मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तीनों क्लबों के सदस्यों और उनके परिजनों ने कार्यक्रम में शिरकत कर कार्यक्रम के आनंद को दुगना किया एवं प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। नागपुर अमेज एवं नागपुर गोंडवाना के PST को उनके द्वारा वर्ष भर किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उत्तम PST का पुरस्कार दिया गया। नागपुर साउथ की PST एवं उपाध्यक्ष को उनके द्वारा वर्ष भर किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए जोन के सर्वश्रेष्ठ PST का पुरस्कार दिया गया। वितरित किए गए अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एक्टिविटी नागपुर गोंडवाना, सर्वश्रेष्ठ इंस्टॉलेशन नागपुर अमेज, सर्वश्रेष्ठ ZC विजिट नागपुर साउथ, सर्वश्रेष्ठ क्लब नागपुर अमेज एवं जोन की सर्वश्रेष्ठ लायन का समावेश था। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MGF राजेंद्र सिंह बग्गा एवं
डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला नीलम बग्गा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्वाचित एमजीएफ श्रवण कुमार एवं मंगला कुमार, प्रथम उप प्रांतपाल निर्वाचित एमजीएफ बलबीर सिंह वीज एवं कंवलजीत कौर आदि लॉयंस क्लब के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के आंकड़ों के मद्देनजर हाईकोर्ट द्वारा अपने परिसर में मास्क की अनिवार्यता लागू किए जाने के दूसरे ही दिन मंगलवार को मनपा भी सुरक्षा के उपायों को लेकर सतर्क हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने एयरपोर्ट, स्टेशन, मॉल्स, बाजारों में कोरोना जांच बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा विशेष रूप से दिल्ली और मुंबई से हवाई यात्रा कर आने वाले तथा इनके संपर्क में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने के भी निर्देश जारी किए। आयुक्त ने कहा कि शहर में कोरोना मरीजों की संख्या की धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण की श्रृंखला खंडित करने के लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है। मनपा आयुक्त ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई से आने वाले यात्रियों का यदि एयरपोर्ट पर ही टेस्ट कराया गया तो घर के सदस्य सुरक्षित रह सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाजार, मॉल्स, सब्जी बाजार जैसे भीड़ वाले स्थानों पर सुपर स्प्रेड को ढूंढकर उनके टेस्ट पर जोर देने के निर्देश भी दिए गए। बताया जाता है कि अब रेलवे स्टेशन पर ही कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। राज्य भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद केंद्र ने सतर्कता और सावधानी के साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए हैं। अब तक जिले में स्थिति सामान्य बनी हुई थी। पिछले 5 महीनों से आंकड़ा बड़ा ही नहीं था, लेकिन मंगलवार को अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ गई। जिले में 25 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। कोरोना से राहत के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। यही वजह है कि देश के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों से आने जाने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। एक से दूसरी जगह आने जाने वालों की वजह से ही संक्रमण फैल रहा है। वैसे भी सिटी के डॉक्टरों ने पहले ही जून और जुलाई में संक्रमितों की संख्या बढ़ने की संभावना व्यक्त की थी। इसकी मुख्य वजह मौसम में बदलाव और गर्मी की छुट्टियों के बाद अपने अपने शहरों में लौटने वाले लोग हैं। पहली बारिश के बाद सर्दी जुकाम के मरीज बढ़ते हैं, इससे कोरोना संक्रमण भी फैल सकता है। इसी बीच मंगलवार को आई रिपोर्ट के अनुसार जो 25 संक्रमित पाए गए हैं, इनमें अधिकांश ही हिस्ट्री ट्रैवलिंग की है। कुछ संक्रमित खाड़ी देशों से आने वाले भी हैं। पूर्व नागपुर के शांति नगर, प्रेम नगर इलाके में विधायक निधि से लगाए गए लोहे की बेंचेस पर पेंट मारकर उसमें दूसरे विधायक का नाम लिखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े ने शांति नगर पुलिस थाना में शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी शिकायत में खोपड़े ने कहा कि प्रेम नगर और शांति नगर इलाकों में उन्होंने अपनी विधायक निधि से नागरिकों के बैठने के लिए लोहे की कई बेंचेस लगवाई है। उनमें उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन सतरंजीपुरा जोन के अधिकारी राजुरकर के आदेश पर ठेकेदार ने सभी बेंचेस पर पेंट मारकर कुछ बेंचेस में विधायक वंजारी का नाम लिखने की जानकारी उन्हें तुषार ठाकरे नामक नागरिक ने दी है। उनसे बेंच पर पेंट मारते हुए ठेकेदार को पकड़ा और जब मोबाइल से ठेकेदार से बात की तो उसने जोन के अधिकारी के आदेश पर पेंट मारने की जानकारी दी। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया गया। पुराने बेंचेस को पोत कर उनमें दूसरे विधायक का नाम लिखने का मतलब बोगस बिल निकालकर भ्रष्टाचार करने का संदेह है। उन्होंने थानेदार से संबंधित अधिकारी व ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का एक बेहद अजीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नागपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ने के पीछे दिल्ली से यहां आने वाले लोग जिम्मेदार हैं। मंत्री राउत ने कहा कि हमने नागपुर में 35 मरीज ट्रेस किए हैं, इसमें अधिकतर केस ऐसे हैं जो कि दिल्ली से आए हैं। मतलब साफ है कि नागपुर में कोरोना संक्रमण बढ़ने की मुख्य वजह दिल्ली से आने वाले प्रवासी है। राउत ने कहा कि एयरपोर्ट पर ही अगर ट्रेसिंग कर ली जाए तो कोविड मामलों पर रोकथाम लग सकती है। मंत्री ने आगे कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी चाहिए। इस संबंध में मैंने प्रशासन से बात की है, ये अच्छा कदम साबित हो सकता है। स्कूलों के फिर से बंद होने की खबरों का शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि फिलहाल स्कूलों को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कोरोना के नियमों के सख्ती से पालन के साथ 13 जून से फिर से स्कूलों को खोला जाएगा। मंत्री गायकवाड़ ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को उचित देखभाल के साथ फिर से शुरू किया जाएगा। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,260 वाहन चालक पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 1,85,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 34,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें।
कुक्षी को जिला बनाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता व जनहित मंच जनादेश सरकार प्रमुख सोमेश्वर पाटीदार साइकिल यात्रा पर निकले थे। वे नागपुर तक 800 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे, जहां सर संघ चालक के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। आरएसएस मुख्यालय पर सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद सुखराम कटरे की कुक्षी जिला बनाने का मांग का प्रस्ताव पत्र तथा कुक्षी पधारने के लिए आमंत्रण पत्र सोमेश्वर पाटीदार ने सौंपा। कटरे ने सर संघ चालक डॉक्टर भागवत के गुरुतुल्य 98 वर्षीय व्यक्ति से मुलाकात करवाई। पाटीदार ने बताया कि साइकिल यात्रा जन जागृति के उद्देश्य से निकाली है। आरएसएस की दृष्टि से कुक्षी जिला है, इसलिए साइकिल से आरएसएस मुख्यालय तक गया और कुक्षी को जिला बनाने की मांग पत्र पहुंचाकर अवगत कराया गया। कुक्षी को जिला बनाने को लेकर अन्य क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता को प्रशासन से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है। नागपुर और औरंगाबाद खंडपीठ के राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने सभी से अपील की है कि वे कुछ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि जनहित में कानून का इस्तेमाल करें। वे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। पांडे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में लोगों के बीच भ्रांतियों के साथ साथ सूचना प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सूचना आयोग एक जन जागरूकता अभियान शुरू करेगा। पांडे ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और इसलिए पारदर्शिता और जनहित को सामने रखकर कार्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कानून का इस्तेमाल आम जनता व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर करे। औरंगाबाद पीठ में 13 व्यक्तियों द्वारा करीब 8,000 से अधिक द्वितीय अपीलें दायर की गई है। इनमें एक व्यक्ति ने तो 100 से लेकर 3,000 द्वितीय अपीलें की है। नागपुर खंडपीठ में पिछले 3 वर्षों में 12 व्यक्तियों ने 800 से अधिक द्वितीय अपीलें दायर की है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत का भरपूर सहयोग, वरिष्ठ व्यवस्थापन का अमूल्य सहकार्य और तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारियों के परिश्रम के कारण महावितरण कंपनी ने परेशानियों के दौर में भी ग्राहकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं जारी रखी है। अब आगामी चुनौतियों का सामना कर कंपनी के भविष्य उज्ज्वल करने के लिए सभी कर्मचारी कंपनी की प्रगति के लिए एकजुटता से कार्य करें, ऐसा आह्वान महावितरण के नागपुर परिक्षेत्र के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने की। वे महावितरण के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर 6 जून 2022 को वसंतराव देशपांडे हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता नागपुर परिक्षेत्र के प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी ने की तथा कार्यक्रम के कार्याध्यक्ष नागपुर प्रमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के थे। रंगारी ने आगे कहा कि महावितरण के कर्मचारी बहुत कठिन और जोखिम भरी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को उन सभी परिस्थितियों में अच्छी तरह से सहयोग देने की आवश्यकता है। कर्मचारियों को भी अपने परिवार को समय देना चाहिए, घर पर विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र में बुधवार को भी कई जगहों पर लू का सितम जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक विदर्भ क्षेत्र के नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर और गोंदिया में लू चलेगी। इसके अलावा मुंबई सहित दूसरे जगहों पर आसमान में बादल दिख सकते हैं और हल्की बारिश की भी संभावना है। इससे पहले मंगलवार को चंद्रपुर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतर शहरों में अच्छा से मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड हो रहा है। मुंबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में 35 दर्ज किया गया है। पुणे में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 119 दर्ज किया गया है। नागपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हीट वेव चलने के आसार है। वही वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।